जापान में साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। जो वाटर क्रिस्टल्स हैं, जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है तो वाटर क्रिस्टल की मुख्तलिफ शेप्स बनती हैं। जरूरी नहीं कि हर बर्फ के टुकड़े के वो जो वाटर क्रिस्टल्स हों वो एक जैसे हों, और उनके डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अगर ये वाटर क्रिस्टल, अगर हम पानी को नॉर्मल पानी ले लें और उस पानी को हम एक अच्छी मौसीकी और एक अच्छे एनवायरनमेंट में उसको वाटर क्रिस्टल बनने दें, तो वो जो अच्छी मौसीकी है और वो जो सूदिंग किस्म की साउंड में, उसमें वो वाटर क्रिस्टल्स बड़े खूबसूरत और बड़े तरतीब से और बड़ा एक्चुअल में बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में उनके वाटर क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो बर्फ का वो जो टुकड़ा बनता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसके बरअक्स वो वाटर क्रिस्टल जिसको शोर के सामने उसको रखा जाता है और एक बेहंगम किस्म की आवाजों के दरमियान में रखा जाता है और एक डिस्टरबेंस में उसको रखा जाता है, तो वो जब बर्फ बनता है और उसके वाटर क्रिस्टल्स बनते हैं तो वो बड़े बेहंगम किस्म के और बड़े बदशकल किस्म के, बदशकल के नहीं बिल्कुल इरेगुलर किस्म के वाटर क्रिस्टल्स बनते हैं। तो उन्होंने इस कंक्लूजन निकाला कि जितने भी इवन नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसका असर होता है हमारे अल्फाज के ऊपर, हमारे एक्चुअल मौसीकी और जो आवाजें हैं उसका काफी ज्यादा डीप इम्पैक्ट होता है उस चीज के ऊपर और स्पेशली पानी के ऊपर। अब आपने शायद वो आमिर खान की बहुत ही मशहूर मूवी है जिसको हम कहते हैं तारे जमीन पे, तो तारे जमीन पे वो एक सीन में वो कहता है कि एक कबीला है और कि जब उनको दरख्तों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, उनको काटने से पहले उन दरख्तों को मार देते हैं, और उनको मारने का तरीका ये होता है कि वो उन दरख्तों के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और उन दरख्तों को कर्ज करना शुरू कर देते हैं, बददुआएं देना शुरू कर देते हैं, उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और उनको एक्चुअल में जब इस तरह वो बार बार करते हैं तो वो दरख्त कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, और फिर ये जाते हैं उनको काट के उसको इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ कहने का मकसद क्या है? हमारे जिस्म के अंदर 2/3 हिस्से पर पानी है। 2/3 यानी अगर हमारे पूरे जिस्म को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो इसके 2 हिस्सों में पानी है, यानी हमारा पूरा जिस्म तकरीबन पानी ही पानी है। तो उस पानी का हमारे रवैयों के ऊपर काफी असर होता है, यानी हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह के शोर शराबे में या म्यूजिकल या एक अच्छे सूदिंग एनवायरनमेंट में, एक कंफर्टेबल इनटॉलरेंट एनवायरनमेंट में, या एक इनटॉलरेंट और एक कुव्वत बर्दाश्त की कमी वाले एनवायरनमेंट में अगर हम रहते हैं तो उसका इस हमारे जिस्म के अंदर जो पानी होता है उसका काफी असर होता है। किसी भी स्पेस या किसी भी सेटेलाइट पे हम सबसे पहले हम जो ढूंढते हैं वो जो चीज वो है पानी। पानी जहाँ पे होता है तो उधर जिंदगी भी होती है। हमारे इर्द गिर्द भी जहाँ जहाँ पे पानी नहीं है उधर जिंदगी कम है या बहुत ही मखदूम है, मखदूश किस्म की एक जिंदगी या बहुत ही एक नाकाम जिंदगी उधर हो रही होती है, बहुत कम मिकदार में, बहुत सर्वाइवल टाइप की जिंदगी गुजर रही होती है उधर। और जहाँ पे पानी होता है तो उस पानी के इर्द गिर्द लोग रहना और बसना शुरू करते हैं। ये जो हमारी एक सिविलाइजेशन है इंडस सिविलाइजेशन, ये दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशन में है जो कि 5,000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और काफी दुनिया में इसके बारे में बात भी की जाती है। इंडस सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि जो इंडस रिवर है, दरियाए सिंध, इसके आसपास जितने भी लोग बसते थे उनको इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। जो हमारे जिस्म के अंदर 2/3 पानी है और उस पानी का जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस तरह की बातें हम सुनते हैं, तो उन उसका काफी असर अमल दखल होता है। इस जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होता है, जिस तरह हम पढ़ते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के क्लासेस में कि हम कैसे लोगों के चेहरों को पढ़ते हैं, हम कैसे लोगों के रवैयों को समझ जाते हैं, भाव देते हैं, और किसी के चेहरे या तस्वीर को देख के हम अंदाजा लगा देते हैं, लोगों के रवैयों को किसी की तस्वीर या उसकी शक्ल को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके बैकग्राउंड में या उसकी जिंदगी में कि किस पैटर्न की एक जिंदगी गुजर रही होती है,
और उसका अंदाजा ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो बहुत काफी देर से पता चलता है वो इस पानी का अमल दखल होता है जो हमारे जिस्म में होता है, और उसका जो इम्पैक्ट होता है बाहर के इन्वायरमेंट का या हमारे अंदर दिमाग के अंदर जो इन्वायरमेंट पड़ा होता है उसका काफी अमल दखल होता है हमारी शख्सियत के ऊपर, जिस तरह हमारी शक्ल बनती है ना। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि हमारा जो जिस्म है, जो अल्लाह ताला ने हमारा ये जिस्म बनाया हुआ है, इस जिस्म के अंदर सर्वाइवल यानी ये कब तक काम कर सकता है आपको पता है? आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे जिस्म की जो कैपेबिलिटी है ये कब कब तक ये इसको हम जिंदा रख सकते हैं वो है 130 साल, यानी 130 ईयर्स तक ये आराम से फंक्शन कर सकता है। और अगर आप इसकी और हिफाजत और इसका ख्याल रखें तो आप इस उम्र को 150 से यानी 150 सालों तक इसको लेके जा सकते हैं। ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है और रिसर्च से भी प्रूफ है। अब हमारी जिंदगियां क्यों 60 साल तक पहुंचते पहुंचते बड़ी मुश्किल से पहुंच जाती है और उसके बाद भी बड़े आराम से बड़ी बीमारियों के जकड़ में हम रहते हैं? उसका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमारे खुराक और हमारे माहौल और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके साथ साथ हमारी सोच और हमारे दिमाग का इससे काफी अमल दखल होता है। कैसे? वैसे अगर आप सोचें कि आपकी जिंदगी में जितनी भी मेमोरीज हैं, आप जितने लोगों से मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं, जो आपकी असासे हैं या जो आपके रिसोर्सेस हैं, जो आपकी यादें हैं या जो आपकी जिंदगी गुजर रही है, जो आपकी काबिलियत है, जो आपकी एक्चुअल में नफरतें हैं, मोहब्बत हैं, किसी दुश्मनी है, जो भी है, एम्पति है किसी के लिए, वो सब कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हार्डवेयर्स नहीं है। आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको कंटेन नहीं कर सकते। जिस तरह ये हाथ है मैं इसको पकड़ लेता हूँ तो आई फील इट, इट्स माई हैंड, वो जो सब कुछ है वो मेमोरीज है, वो सॉफ्टवेयर डाटा है। तो इसका मतलब ये है आपके अंदर जो जितना भी खौफ, जो आपके दिमाग के अंदर जितनी भी चीजें चल रही होती है वो सब कुछ सॉफ्टवेयर है। तो जो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, आप जरा बैठ के सोचें, कुछ भी है हमारी जिंदगी में वो सब कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी वक्त करप्ट हो सकती है, जो किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है। आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हो, जो लोग अपना सब कुछ, स्पेशली जिन लोगों को या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, और अटैक हो जाता है, या पागल हो जाते हैं, या बिल्कुल दिमाग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ भूलने का मतलब ये एवरीथिंग इज डिलीटेड, वो सारे इमोशंस, वो सारे गम, दुख, दर्द, यादें, सब कुछ, एवरीथिंग, रिश्तेदार, करीबी, दूर के, मोहब्बत, नफरत, सब कुछ डिलीटेड। यानी अगर आपके दिमाग से आपका कोई प्यारा आपको छोड़ के चला गया या उनकी डेथ हो गई, दिमाग से वो डाटा, जो यादें हैं या उसकी जो सोच है या जो कुछ भी है उसके बारे में, वो डिलीट हो जाए, तो इसका मतलब ये फिर आपको अपनी परेशान होने की जरूरत भी नहीं होगी। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि जब हम कोई काम करते हैं या कुछ सीखते हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं या कुछ कुछ गेन करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो 47% तक डिस्ट्रैक्ट होता है। यानी सपोज मैं इंग्लिश की किताब पढ़ रहा हूँ या कोई कहानी पढ़ रहा हूँ तो मेरा जो जहन है वो डिस्ट्रैक्ट होता है अगर मुझे, और ये डिस्ट्रक्शन और भी बढ़ जाती है अगर वो जो कहानी है वो मेरी चॉइस की ना हो या मेरी उसमें दिलचस्पी ना हो या मेरा वो मुझे अच्छी ना लगे, सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैंने एग्जाम देना है, तो मेरा दिमाग और भी इसके डिस्ट्रक्शन 60% या 70% तक भी चली जाती है। और बच्चे या जो लोग ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है ये तो और भी बढ़ जाती है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जब भी कोई काम करें या पढ़ाई करें या फिर कोई और किसी चीज पे फोकस करें तो हम क्यों उससे वो उस अंदाज से सीख नहीं पाते और हमारा दिमाग मुंतशिर हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी उसकी हमारी तवज्जो कहीं और चली जाती है और हम बहुत आसान चीजें पढ़ते हुए भी हमारे दिमाग के अंदर बैठती नहीं है आराम से। और ये हर वक्त नहीं होता है, कभी कभी, और जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है और जिसके अंदर जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड होते हैं वो आराम से हम उसको सीख पाते हैं। साइंटिफिकली जब बच्चा पैदा होता है तो वो 9 साल तक उसका जो कॉन्शियस यानी जो क्रिटिकल ब्रेन है वो उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, तो वो उस दुनिया के हर चीज के लिए बहुत क्यूरियस होता है।
वो हर चीज के बारे में जानना सीखना चाहता है, उसको बड़ी जुस्तजू होती है, उसका पूरा जिस्म, उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी अटेंशन, उसकी पूरी तवज्जो और दिलचस्पी हर चीज को समझने और परखने में होती है। वो ये सिखाई किसी के लिए या किसी मकसद के लिए नहीं कर रहा होता, वो बेमकसद अपनी तस्कीन के लिए कर रहा होता है। इसलिए साइंस कहती है साइकोलॉजी के मुताबिक कि बच्चा अपनी पैदाइश से लेकर 8-9 साल तक जितना कुछ सीखता है उस दुनिया के बारे में, वो अगर उसकी उम्र 80 साल तक हो तो वो अपनी बाकी की जो जिंदगी है, यानी अगर हम कितनी 71 सालों में, वो इतना नहीं सीखता जितना कि वो पहले 9 सालों में सीखता है। और वो क्यों इतना ज्यादा सीख जाता है, क्योंकि तो उसको नहीं पता होता है कि मैं सीख रहा होता है, वो किसी मकसद के लिए नहीं कर रहा होता है, वो इसलिए कर रहा होता है बिकॉज दिस इज व्हाट ही वांट्स टू डू इट एंड दिस इज व्हाट ही वांट्स टू गेट इट। सो इसलिए उसकी सिखाई की जो स्पीड होती है और जो डाटा बैठ रहा होता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा तेजी से सीखता है इस दुनिया के बारे में। हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा क्रिटिकल ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, फिर हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई देता है और हम हर चीज के बारे में तनकीद करना शुरू कर देते हैं। हम हर अपने आप को भी दूसरे लोगों के कामों, सोच में, हर चीज में तनकीद ढूंढते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, जज करते रहते हैं दूसरों को भी, अपने आप को भी। तो इस चीज को हम कैसे कम करके हम अपनी जो सिखाई है उसको और ज्यादा स्पीड अप कर सकते हैं कि कम वक्त में हम ज्यादा कुछ सीखें और ऐसा सीखें कि हम उसको फिर भूल ना पाए सारी जिंदगी। तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। अगर आप माइंडफुल है, माइंडफुलनेस है आपके अंदर, तो उसका मतलब ये है कि आप बाकी लोगों से 47% ज्यादा सीखेंगे और आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं हो पाएगा। और अब जो वो जिस वक्त जो कुछ भी सीखेंगे आप उसको बड़े आराम और सुकून से सीखेंगे, और आपके दिमाग और आपका जो पूरा जो ब्रेन है और उसके साथ जुड़ी हुई जो आपकी जिस्म है, उसके अंदर एक कंटेंटमेंट, एक सुकून आ जाएगा और आपके अंदर ऑटोमेटिकली देन यू वुड बी हैविंग द कॉन्फिडेंस दैट यू आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर। यू वुड हैव द रिक्वायर्ड इंटेलेक्ट जो आपको चाहिए और समझ बूझ और जो कॉन्फिडेंस और जिसकी खुद इतमादी और वो सुकून और जो खुशी चाहिए, वो आपको उस वक्त मिल सकती है जब आप के अंदर माइंडफुलनेस हो। आपके जहन में ये सवाल आता होगा, आ रहा होगा कि माइंडफुलनेस से मुराद क्या है। माइंडफुलनेस से मुराद ये है एक ऐसा दिमाग जो अपने बारे में और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में जजमेंटल ना हो, यानी हर चीज के अंदर कुछ गड़बड़ ना ढूंढे और हर चीज को पहले समझने की कोशिश करे बजाय इसके अंदर कुछ गलतियां ढूंढने के, यानी वो अपनी तनाव ना करे, हर चीज को सख्त लहजे में और सख्त अंदाज में एक्सेप्ट ना करे, बल्कि अपना दिमाग बिल्कुल ओपन रखे चीजों के लिए, इस दुनिया के लिए और इस दुनिया के नॉलेज के लिए और लोगों की बातों और उसको समझने और परखने के लिए, अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन रखें और लेट दी नॉलेज फ्लोज इन वो। और जब आप अपने एक्सट्रीम फोकस और अटेंशन के साथ अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, यानी आपके जिस्म के और दिमाग के अंदर जो भी थोड़ी बहुत तब्दीली हो रही होती है, आपका अटेंशन इधर जाने की कोशिश करता है और आपको पता चल जाता है और आप उसी वक्त उसको ठीक कर सकते हैं, इस तरह की माइंड को। और जब इस तरह का जो हम माइंड हम गेन करते हैं, और ये हम इसके लिए कोशिश, आपको पता है सारी दुनिया इसके लिए कोशिश करते हैं, ये योगा जो है, ये मेडिटेशन है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो इवन मजहब है, और उसका मेन फंक्शन जो है उसका यही होता है कि हम माइंडफुलनेस की तरफ जाएं, हमारा दिमाग एक सुकून से एक फोकस की तरफ हम अपने आप को कंटेन करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सीखें, ताकि हमारी जो नेचुरल ये जेनेटिक किस्म की जो रिक्वायरमेंट है हमारे दिमाग की कि वो हर चीज के बारे में जानना और समझना चाहता है, वो हम सुकून से और आराम से सीखें। आप देखते होंगे अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी जिंदगी में कि दो बच्चे, आप भी किताब पढ़ोगे और आपका दूसरा बच्चा भी आपके क्लास में पढ़ेगा, लेकिन जब वो किताब पढ़ेगा और आप भी किताब पढ़ोगे और एक ही तरह के पढ़ोगे, लेकिन वो उस किताब उस नॉलेज से आपसे ज्यादा गेन करता है और आप हैरान रह जाते हो कि वो कैसे इतना ज्यादा गेन कर लेता और मैंने इतना कम कैसे गेन कर लिया, क्या वजह है। कभी कभी आप कुछ पढ़ते हो और आपकी अटेंशन आने रही होती है फोकस की तरफ। तो ये जो माइंडफुलनेस है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे
जिस्मानी नशोनुमा और हमारी जहनी नशोनुमा दोनों के लिए इसकी ये मैंडेटरी है, और इसको हम कैसे फिर इसको हासिल कर सकते हैं। पहले यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक सवाल ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने सेल्स हैं, ये 100 ट्रिलियन सेल्स, कुछ सेल्स छोड़ के जिस तरह दिल के अंदर कुछ सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं उसको छोड़ के हमारे जिस्म का जो बाकी मेजोरिटी ऑफ जितने भी सेल्स हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं, वो पुराने खत्म हो जाते हैं और नए सेल उसकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं। तो एक सोचने की बात है कि जब हमारे जिस्म में ये कुछ हो रहा होता है तो फिर हम बूढ़े कैसे क्यों हो जाते हैं, फिर हम मर क्यों जाते हैं। अभी हम कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे कि हम ये माइंडफुलनेस कैसे गेन कर सकते हैं। उसको गेन करने के लिए मैं आपका सबसे पहले आपका दिमाग ऐसे बनाऊंगा ताकि आपके दिमाग से वो जो लड़ाई है वो दूसरों को, दूसरे लोगों की तजाद ऑब्जेक्शंस, जज करना दूसरों को, अपने आप को भी और अपने आप से मायूस है, दूसरे लोगों से मायूस जब हो जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या नफरत करते हैं, उससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं जिसके अंदर हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है और टच है और देखने की सलाहियत है। ये 5 सेंसेस ही की वजह से हम जिंदा है, इस दुनिया में रह रहे हैं। और आप बचपन ही से, मतलब आपकी आंखें ना हो तो आपका इस दुनिया की जो तस्वीर है आपकी, इसी तरह अगर आंखों के साथ साथ मैं आपकी सुनने की सलाहियत भी और टेस्ट करने की सलाहियत भी डिलीट कर दूं आपसे, तो आपकी दुनिया के बारे में आपकी तस्वीर है वो और खराब हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी, जिस तरह कोरोना में लोगों की सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट अफेक्ट होता था, तो कैसे वो दुनिया में ऐसे लग रहे थे जैसे वो एलियंस हो। इसी तरह जो सेंस ऑफ टच है या सुनने की सलाहियत भी मैं डिलीट कर दूं, आपको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं चल सकता। अगर आप समझ लें कि आपकी सारी सेंसेस डिलीट हो जाए तो यू और आप में और एक पत्थर के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। ये जो 5 सेंसेस है ये कंटिन्यूसली दुनिया से डाटा कलेक्ट करता है, कुछ लोग ज्यादा कलेक्ट करते हैं और कुछ लोग कम करते हैं। दूसरी चीज समझने की कोशिश करें कि जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स एक इंसान का दूसरे इंसान से एक जैसा नहीं हो सकता, इसी तरह हमारे ये जो 5 सेंसेस है उसकी स्ट्रेंथ और वो जो डाटा कलेक्ट करने की सलाहियत और किस अंदाज में कैसे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। और फिर उसके बैकग्राउंड के अंदर जो हमारे दिमाग के अंदर जो इंटेलिजेंस पड़ा होता है, जो एक्चुअल में IQ होता है, जो हमारी समझने सोचने समझने परखने या एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो सलाहियत होती है हमारे दिमाग की, वो भी मुख्तलिफ होती है हर इंसान के दूसरे से। तो ये जो डाटा हम लेते रहते हैं, जिस तरह मैं किसी मिलता हूँ तो उसके बारे में मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाती है, उसकी तस्वीर, उसकी बातें, उसके बारे में सोच, वो कैसा है, क्यों है, कैसा है, वो सारी एक्चुअल में डाटा चल रहा होता है हमारे दिमाग में। और वो ये डाटा मैं आंखों से, सुनने से, टच करने से, सुनने से, मतलब सुनने से सब कुछ हम एक्चुअल में परसेप्शन बनाते हैं। ये परसेप्शन हमारा बारे में, अपने इंटरनल अपने बारे में भी होता है, दूसरे लोग और दूसरी दुनिया चीजों के बारे में भी होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि हमारी ये 5 सेंसेस हर इंसान की दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, उनकी सलाहियत और ये दिमाग के अंदर जो कैपेबिलिटीज वो भी मुख्तलिफ है, इसलिए हर इंसान का जो परसेप्शन, जो मैप ऑफ द वर्ल्ड बनता है दिमाग के अंदर, जो परसेप्शन बनता है वो मुख्तलिफ होता है। अगर ये एक जैसा हो, एक ही दुनिया में रहने वाले दो लोगों की परसेप्शन बिल्कुल कम्प्लीटली वर्ण, तो वो एक दूसरे से बात भी ना करें, तो देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट। ये एक डिफरेंसेस ही तो है। तो बातचीत में हम करते क्या है, बातचीत में हम ये करते हैं कि मेरा जो परसेप्शन है मैं उसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, कि मैं आपको बताऊँ कि मैं जो सोच रहा हूँ या मैंने जो तस्वीर बनाई है या मेरी जो परसेप्शन है वो ठीक है और आप उसको मान जाओ। दिस इज वट द होल थिंग, द होल साइकोलॉजी, द होल ओरिजिन ऑफ एवरी टॉक इज। आप किसी से मिलते हो, बातचीत करते हो, आप जब भी मिलते हो कुछ भी, ये एक्चुअल में हम अपनी परसेप्शन को दूसरे लोगों पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो कुछ सोच रहा हूँ या मेरे जहन में जो परसेप्शन है वो ठीक है और आपकी जो है वो गलत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेच्योरिटी के लिए और सुकून के लिए, माइंडफुलनेस के लिए जरूरी है कि आप इस चीज को मान जाए कि हर किसी की जो परसेप्शन है वो आपसे मुख्तलिफ होगी
और इस मुख्तलिफ होने का फायदा ये होता है कि आप नई नई चीजें लोगों से सीख सकते हैं, और अपनी कामयाबी का जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप कितना सोशली पावरफुल है। सोशली पावरफुल मतलब वी आर, हमें सोशल एनिमल कहते हैं, कि जितना अगर हम सोशल ना हो, लोगों के साथ मिलना मेल जोल ना आता हो, बातचीत करना ना आता हो, लोगों से सीखने का फन ना आता हो, उनके साथ रहने का फन ना आता हो, तो हम तो एनिमल हो गए। लेकिन हम अच्छी तरह सोशल कैसे बन सकते हैं, जब हम ये मान जाए कि हर इंसान का मुझसे मुख्तलिफ होगा परसेप्शन इस दुनिया के बारे में, और ये मुख्तलिफ होना बहुत खूबसूरत है। जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर जाएंगे, तो फिर आप किसी लड़ने और किसी को जज करने या किसी को परखने या किसी से तजाद या लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि उसका मुख्तलिफ होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा, वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग आवर ओन केसेस। उसका ये होता है कि जब वो मुख्तलिफ चीजें एक ही चीज के बारे में मुख्तलिफ परसेप्शन मेरे सामने रखेगा, तो वो जो मेरी परसेप्शन है उसको और इन्हेंसमेंट मिलेगी। यानी मैं एक 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 पत्थर को एक साइड से देखूं तो एक तस्वीर बनती है, मैं कहूं कि ये पत्थर ऐसा है, और उस पत्थर को दूसरे साइड से कोई देखे तो वो कहेगा कि वो पत्थर ऐसा है, हम दोनों ठीक होते हैं, ये मानना है नंबर एक बात। वो जो मुझे उस साइड के बारे में, पत्थर के बारे में, ये मुझे जानना पड़ेगा कि वो मुझे उस साइड के पत्थर के बारे में बोल रहा है और मैं इस साइड के पत्थर के बारे में बता रहा हूँ, तो ये दोनों मुख्तलिफ हो सकती है, तो इसलिए इट्स ओके, इट्स फाइन इनफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो जब मुझे उसके बारे में बताएगा और मैं उसको डाइजेस्ट करूंगा अपने दिमाग को ओपन करके, बगैर किसी लड़ाई के ओपन करके, तो मेरे दिमाग के अंदर जो पत्थर की तस्वीर है वो मुकम्मल हो जाएगी, वो उसके बारे में भी, इस साइड के बारे में भी, और जब ये दोनों साइडों के बारे में मुझे पता चल जाएगा उस पत्थर के बारे में, तो मैं एक तीसरे बंदे से जब भी बात करूंगा तो मैं दोनों साइड के बारे में बात करूंगा, और वो आराम से मेरी बात सुनेगा, क्योंकि मैंने उसकी परसेप्शन के भाग को भी, उसने भी ये इस साइड से देखा होगा पत्थर को या उस साइड से, उसको भी कैटर करूंगा और अपने आप को भी कैटर करूंगा। तो इसी तरह मैं मेरे अंदर दूसरों को इन्फ्लुएंस या दूसरों को मुतासिर करना, दूसरों से काम निकलवाने का फन, और जिसको हम नॉर्मल लफ्जों में कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो आराम से आ जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि पीपल व्यूज परसेप्शन मैप ऑफ द वर्ल्ड विल हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। इसलिए तो हमारे मजहब में भी है कि जब आप किसी गैर मुस्लिम से बातचीत करो तो सबसे पहले उन चीजों के बारे में बात करो जो आप में और उसमें कॉमन हो। मैं जितनी दफा भी बाजार गया हूँ, सपोज मैंने कोई चीज सब्जी लेनी हो या कोई चीज लेनी, सपोज टमाटर लेना हो, तो जब भी मैंने ये क्वेश्चन, मैं ट्राई कर चुका हूँ देखने के लिए, जब भी मैंने इस तरह किया हो कि मैं सब्जी लेते हुए या मैंने टमाटर लेते हुए मैं उसको कहता हूँ कि आपने अच्छे वाले टमाटर देना है, ठीक है, धोखा शोखा नहीं करना, आप बहुत धोखेबाज लोग हो, इस तरह हो। और आजकल मुझे मसला ये कि आप हर चीज में धोखा करते हो, आप सही टमाटर नहीं देते, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरह मैं बोलता हूँ तो मुझे अच्छी चीज नहीं मिलती। मुझे अच्छी चीज तब मिलती है जब मैं उसके साथ जाता हूँ, उसको सलाम करता हूँ या उससे मिलता हूँ, उससे हेलो हाय कहता हूँ, उसके बाद उससे बातचीत करता हूँ, उससे थोड़ा सा हंसता हूँ और उससे कहता हूँ, उसका एक्चुअल में जब धूप में खड़ा होता है तो उसको बोलता हूँ कि बहुत गर्मी हो गई है, आपको काफी प्रॉब्लम होती होगी, और फिर उसके बाद उसकी तारीफ करता हूँ, उसको थोड़ा सा एक्चुअल में बूस्टअप करने की कोशिश करता हूँ, तो वो क्या करता है, वो उसका दिमाग मेरे लिए खुल जाता है। जब दिमाग मेरे लिए खुल जाता है तो मैं उसको कहता हूँ फिर कि भाई प्लीज मुझे इतना टमाटर चाहिए, फिर ज्यादातर केसेस में ये बोलता है कि सर आप जहाँ से लेना चाहते हैं आपको तो अपनी मर्जी से ले लें, जो किसी और को नहीं कहता। मैं फिर भी कहता हूँ कि नहीं, आई ट्रस्ट यू, कोई इशू नहीं है, आप जो आपका दिल करे मुझे वो टमाटर दे देना अपनी मर्जी से। और जब भी मैं इस तरह कि सिचुएशन में जब मैं घर ले जाता हूँ टमाटर, तो बहुत अच्छे टमाटर होते हैं, बहुत रेयरली कोई टमाटर खराब होता है। तो इसलिए जब आप किसी से मिलो उसको ओपन अप करो, ओपन अप करने के लिए सिर्फ माइंडफुलनेस यानी सुकून, दिमाग के अंदर सुकून होना चाहिए सबसे पहले। बच्चों से बात करो, घर में किसी से भी बात करो, फैमिली मेंबर से, तो सुकून से बात करो। उसके जो बच्चे हैं उसका परसेप्शन बच्चों के हिसाब से होता है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वालिदैन अपने बच्चों को डांटते हैं तो अपना बचपना भूल जाते हैं, वो ये समझते हैं कि जो बच्चा होगा उसका दिमाग ऐसा ही होना चाहिए जो मेरा इतने सालों में 30 20 30 40 50 सालों में बन चुका है, मेरे बच्चे का दिमाग भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता है, उसका परसेप्शन डिफरेंट होता है दुनिया के बारे में, उसके एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, उसके दिमाग की आईक्यू डिफरेंट होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। तो वो आपने उसको, उससे जब भी बात करें तो ये चीज अपने जहन में रख के बात करनी है, तो आपने उसी हिसाब से अपने बच्चों को डील करना है, उसको
एक्सप्रेस करने दें, उससे बातचीत करें, उसको सुने आप। सुनना मेरे ख्याल में बोलने से ज्यादा मुश्किल काम होता है, और जिन लोगों को ये फन आता है सुनने का, आराम से बात सुनने का, वो मुख्तलिफ होता है बाकी लोगों से। आपने बच्चों के साथ जब भी बात करनी है तो आपने बच्चों को बच्चों की तरह उसको समझ के, बच्चों को बच्चे समझ के आपने बात करनी है। एक चीज याद रखें कि जितना हम किसी चीज को आराम से सीख सकते हैं, उसको जबरदस्ती या उसको जोर जोर से रिपीट करके नहीं सीख सकते हैं। आप दूसरे लोगों को जब आराम से सुनना शुरू करेंगे तो फिर आप बातें किसी की, आप अपने दिमाग से बातें नहीं भूलेंगे आप। ये सिर्फ आपके अंदर एक बेचैनी, और जब एक अपने पे एक काम करें तो उसके ऊपर फोकस करके करें, उसको बताएं कि आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप सुबह उठें तो सुबह सवेरे आंखें खोलने के बाद अपने दिन भर की परेशानियों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आंखें खोलें, थोड़ा सा जब भी आपकी तवज्जो परेशानी की तरफ जाए तो अपने सांस के ऊपर फोकस करें, अपनी सांस को सुने, उसको सूंघें, उसको एक्चुअल में फील करें, आराम आराम से सांस लें, और इसी तरह आपका एक्चुअल में तो अपने आप को कंफर्ट करें, और अब अच्छा अच्छा सोचें कि थिंग्स विल बी परफेक्टली वेल, गॉड हैज बीन वेरी काइंड, और अल्लाह ताला के दिस, अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचें, एंड देन यू मूव ऑन। और फिर जब आप इवन काम शुरू करने से पहले भी थोड़ा सा आराम से सुकून में आ जाए, कोई मसला नहीं है। और इन चीजों से, ये जो देखें, किसी ईमेल का जवाब देना, किसी मैसेज का जवाब देना सुबह सवेरे, इससे एक्चुअल में अर्ली यानी क्विक अकम्पलिशमेंट की वजह से आपको थोड़ी सी एडिक्शन हो जाती है, वो सुबह सवेरे ना किया करें। ऑफिस में पहुंचने के बाद इन चीजों से दूर रहें, ऑफिस में पहुंचने के बाद थोड़ी सी सुकून में आए, पानी शानी पिए, रिलैक्स हो जाए, अपने दिमाग को फंक्शन करना शुरू कर दें, और अच्छा अच्छा सोचें, बिकॉज वट एवर योर बिहेवियर गुड फ्रॉम आउटसाइड यू बी, योर ब्रेन इज गोइंग टू प्रिज्यूम इन दैट वे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, योर ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्ट एंड फिक्शन, योर ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ पॉजिटिव कमांड एंड अ नेगेटिव कमांड, योर ब्रेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्ट एंड परसिस्ट। तो जब आप अच्छा अच्छा सोचेंगे, खुश खुश फील करेंगे, हंसेंगे, लोगों से अच्छा अच्छा उसकी तारीफ करेंगे, तो आपका दिमाग भी उसी तरह आपको प्रिज्यूम करेगा कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और आपके लिए अच्छा अच्छा बनाता रहेगा, और आपका फोकस जो है वो अच्छाई की तरफ जाएगा। और इसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जब आप कुछ सीखेंगे, चाहे आप स्कूल जाते हो, मैंने तो ऑफिस की मिसाल दी है, स्कूल जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, किसी के साथ डील करने जाते हो, किसी के साथ बातचीत करने के लिए जाते हो, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। ये आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें, अपने आप से प्रॉमिस करें कि सिर्फ 2 हफ्ते तक या 15 दिन तक ये प्रैक्टिस कर लें, ये सुकून अपने दिमाग में ले आए, और उसको रेगुलर करते रहें, और जब भी आपको गुस्सा हो तो उधर रोकें, थोड़े से सांस लें, उस मौके से, उस माहौल से हटे, पानी पिए, और ये सिर्फ 15 दिन तक करें, और 15 दिन के बाद आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जैसे मैं कुछ जिंदगी तो जी ही नहीं रहा था, वो तो एक हंगामा था जो बरपा था मेरे दिमाग में, मेरी दुनिया के अंदर, ये तो बड़ा सुकून आ गया मेरे अंदर। और इसी सुकून को हम माइंडफुलनेस का नाम देते हैं, एंड आई होप यू फील गुड, एंड वंस यू फील गुड प्लीज डू शेयर इट विद मी, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।